Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं और अजय देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार में उठापटक देखने को मिली, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स के रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल्स आते हुए नजर आए हैं। दरअसल हुआ ये कि अंतरराष्ट्रीय संकेत मिले जुले थे और उसी बीच गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 20 पॉइंट्स के आसपास शुरुआती टिक्स पॉजिटिव आएंगे। अच्छा, उससे ज्यादा तेजी के साथ खुल गए। आज 23,464.95 इस लेवल पे ओपन हुए और यहीं पर ही हाई लगाने के बाद एकदम से गिरावट आ गई और बहुत ही जबरदस्त तीव्र गति से गिरे थे आज के सत्र में 23,334 तक लुढ़के। लेकिन फिर 9:45 पे वहीं से आई है खरीदारी और आज जो रिकॉर्ड हाई निफ्टी ने लगाया है वो है 23,490.40। ये आज तक का इतिहास का सबसे बेहतरीन लेवल निफ्टी पे देखने को मिला। लेकिन जो क्लोजिंग आई है, जहां पर ओपन हुए थे उसी के आसपास की क्लोजिंग दिखाई दी, 23,465 के लेवल की क्लोजिंग। ओपनिंग भी इसी लेवल पे थी, 66 अंकों की बढ़त आपको क्लोज टू क्लोज नजर आएगी। और निफ्टी बैंक आज के दिन का लो है 49,693, उसके बाद जो रिकवरी आई तो आज के दिन का हाई है 50,102। मुद्दा तो यही है ना कि 50,100 इस लेवल को पार ही नहीं कर पा रहा ढंग से, और आज जो क्लोजिंग आई वो थी 50,002 के लेवल की 155 पॉइंट्स के गेंस के साथ। लेकिन जहां पर खुला वहीं पर ही बंद हो गया निफ्टी बैंक भी, बिल्कुल इनडिसीजन वाली मार्केट। एटलीस्ट इंडेक्स फ्रंट पे आई और खरीदारी जो थी वो मिड कैप्स, भर भर के मिड कैप्स इस समय ट्रेडर्स ने खरीदे हैं इस हफ्ते तो। और सेंसेक्स 76,992 के लेवल पे हुआ है बंद 181 अंकों की बढ़त के साथ। जो तेज हुआ उसमें था रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, M&M, टाइटन और अदानी पोर्ट्स। जहां पर गिरावट आई उसमें था TCS, L&T, इंफोसिस, SBI और HCL टेक। IT स्टॉक से बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। निफ्टी गेनर्स में आयशर मोटर्स को पाएंगे आप 2.5% ऊपर, अदानी पोर्ट 2.25% चढ़ गया, M&M 2% ज्यादा चढ़ गया। M&M की तो मैराथन रन है, बहुत ही गजब की चाल है। श्रीराम फाइनेंस, टाइटन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज तेजी बनी। जहां पर गिरावट थी वहां पर IT नजर आएगा, ऊपर के 5 में से 4 तो IT के ही गिरने वाले, जिसमें टेक महिंद्रा 1% नीचे, TCS 1% नीचे, विप्रो 1% नीचे, HCL टेक 1% नीचे और इनफैक्ट एक स्टॉक L&T कैपिटल गुड्स में यहां पर ऊपरी स्तरों पर हल्का दबाव आता हुआ नजर आया, आधे फीसदी के आसपास फिसल गया। FNO गेनर्स में ABB इंडिया दौड़ लगा गया आज, ये स्टॉक 0.75% ऊपर। सीमेंस 5% चढ़ा। वायदा बाजार में जहां पकड़ मजबूत थी वो था भारत फोर्ज 5% ऊपर। ट्रेंड का स्टॉक 4.5% चढ़ गया और इंडियन होटल्स 4% ऊपर। FNO लूजर्स में बलरामपुर चीनी पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज था, प्रॉफिट बुकिंग हो गई, 2% नीचे आ गया। एम्फेसिस 2% नीचे, चंबल फर्टिलाइजर 2% नीचे रहा। मेट्रोपोलिस और इपका लैब्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मिड कैप्स की मार्केट है और मिड कैप्स में डिफेंस जो कंपनियां हैं वहां पर बहुत ही गजब की चाल इस हफ्ते देखने को मिली। पिछले 2 दिन से देखने की ट्रैक्शन पॉजिटिव हो गया है और आज पारस डिफेंस में 20% का अपर सर्किट लग गया। इसके अलावा BEML 17% ज्यादा चढ़ गया। मैसडॉक 14% ऊपर। SKF इंडिया 11.5% चढ़ा है। कैम्प्लास 11.5% ऊपर। JK पेपर 10% चढ़ा। जेंटेक 8.5% चढ़ा। और इसके अलावा किर्लोस्कर ब्रदर्स KRBL 8.5% चढ़ते हुए नजर आए। पॉलीमेडिक्योर लेटर हाफ में चढ़ा, ये स्टॉक 7.5% ऊपर रहा दिन के दौरान। और KEC इंटरनेशनल 7.5% चढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में KIOCL 3.5% प्रॉफिट बुकिंग थी स्टॉक में आज। लावपाला 3.5% नीचे। उषा मार्टिन 3% लुढ़क गया। शिल्पा मेडिकेयर, CMS इन्फो, विजया डायग्नोस्टिक और एपिग्रल, इन स्टॉक्स में 3% के आसपास का डेंट पड़ा। सेक्टर तो समझ में आया बाजार को, डिफेंस कल भी तेजी आज भी तेजी, और आज जो तेज हुआ वो था पारस डिफेंस, धुआंधार चाल, 20% का अपर सर्किट लॉक। इसके अलावा BEML 17% से ज्यादा चढ़ा है। मैसडॉक 14% ऊपर रहा, रिकॉर्ड स्तर मैसडॉक पे आ गए। जेंटेक 8.5% चढ़ा है। डेटा पैटर्न 7.5% ऊपर रहा। BDL 6% चढ़ गया। कोची शिपयार्ड 6% ऊपर। गार्डन रीच 5.5% चढ़ा। इस क्वांटम की खरीदारी थी। BEL, HAL ये सब स्टॉक्स ऊपर थे। फिर कैपिटल गुड्स इंडेक्स अगर आप BSE का देखोगे तो वहां पर जो जो लिस्टेड कंपनियां उनमें खरीदारी देखने को मिल रही थी। इसमें लिस्टेड कंपोनेंट्स में आपको बता देता हूं, जिसमें SKF इंडिया 11.5% चढ़ा। ABB लगभग 7% ऊपर रहा। टिमकिन 7.5% ऊपर। शेफलर 6.5% चढ़ा। हनीवेल 5.5% ऊपर रहा। सीमेंस 5% चढ़ा है। भारत फोर्ज 5% चढ़ गया। AIA इंजीनियरिंग, LG इक्विपमेंट, कमेंस, ये सब स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। पेपर स्टॉक्स में एकदम से तेजी आई है, जिसमें JK पेपर रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंचा है 10% ऊपर। स्टार पेपर 9% चढ़ा है। वेस्ट कोस्ट पेपर 6% ऊपर रहा। रुचिरा पेपर, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, आंध्रा पेपर 3.5% से 5% चढ़ गए। चावल शेयर्स, ये बीटन डाउन स्टॉक्स जैसे KRBL, बहुत जबरदस्त पिटाई हुई पिछले कुछ महीनों से, लेकिन अब जब चढ़ना शुरू हुआ है तो आज के सत्र में KRBL 8% ऊपर। कोहिनूर 7.5% चढ़ा है। LT फूड 2% चढ़ा। ऑटो में आज भारत फोर्ज का बोलबाला था, ये स्टॉक वायदा कारोबार में भी टॉप गेनर रहा है।
आज 4.25% चढ़ा है ये। मदरसन 3.5% ऊपर, आयशर मोटर्स 2.5% चढ़ गया, टीवीएस मोटर, एमएनएम, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और बजाज ऑटो हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। फाइनेंशियल्स में आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस और आईसीआईसी प्रू लाइफ दोनों ही स्टॉक्स आज 3% से 4% ऊपर थे। एलआईसी हाउसिंग इस हफ्ते का स्टार परफॉर्मर है, आज भी 2% चढ़ गया। आरएसएल लिमिटेड लगभग 2% चढ़ा है। श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी बैंक 1% से 2% ऊपर रहे। रियल्टी पैक मिक्स बैक था आज, जिसमें जो तेज हुए वो थे फीनिक्स लिमिटेड, प्रेस्टीज, लोधा, शोभा, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। सबसे तेज चला है फीनिक्स लिमिटेड 4%। जो गिरे हैं वो है ओबरो रियल्टी, सनटेक और गोदरेज प्रॉपर्टीज। आईटी स्टॉक्स का दिन खराब था, आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एम्फेसिस में 2% नीचे आया। कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, टीसीएस 1% से 1.5% हल्के हो गए। विप्रो, एचसीएल टेक और परसिस्टेंट सिस्टम्स, यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? देखिए, सोमवार को ईद के मौके पर भारतीय शेयर बाजार की तो है छुट्टी, तो एक लंबे वीकेंड से पहले आज ट्रेडर्स थोड़ा कॉशियस नजर आ रहे थे। और आपने देखा ही निफ्टी और निफ्टी बैंक जहां पर ओपन हुआ वहीं पर ही क्लोज हो गया, तो इंडेक्स पे तो कोई बहुत बड़ी चाल बनी नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं निचले स्तर से रिकवरी जरूर आ गई, तो सरेंडर तो करने को तैयार नहीं अभी मार्केट। और ऐसी मार्केट पे जहां पर इंडेक्स मैनेज कर रहा हो, जैसे कि अभी निफ्टी और सेंसेक्स ने आज रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल तो दिखा दिए। निफ्टी ने आज 23,490.4 का रिकॉर्ड हाई लेवल भी दिखा दिया, लेकिन ये बात समझ में आती है बार बार ऊपर जाते हैं तो फिर पटकनी मिल जाती है, ऊपरी स्तरों पर एक गिरावट देखने को मिलती है और फिर निचले स्तरों से आती है खरीदारी। इंडेक्स बिल्कुल एक रेंज पे, पिछले चार ट्रेडिंग सेशन का डेटा देख लो, निफ्टी तो फिर भी धीरे धीरे करके ऊपर चला गया, छोटे छोटे टिक साइज ऊपर दिखा गया, लेकिन निफ्टी बैंक तो बिल्कुल ही सपाट है, इससे तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा। 50,250 के लेवल के ऊपर बंद होने को तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं। तो मेन फोकस वैसे निफ्टी बैंक पे ही है कि जिस दिन निफ्टी बैंक का ब्रेकआउट आएगा और निफ्टी बैंक चलेगा तो उस दिन इंडेक्स पे जबरदस्त मूव एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो आए तो सही, आए नहीं रहा। अभी बैंकिंग स्टॉक्स पे उतना फोकस ही नहीं है, अभी तो बजट रिलेटेड स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस रहा। और इस हफ्ते आपने देखा है कि जो मिड कैप स्टॉक्स में उसमें क्या धुआंधार चाल देखने को मिल रही है मार्केट की रिकवरी में, ये मिड कैप स्टॉक्स चमके हैं। तो देखते हैं आने वाले समय की मार्केट कैसे आती है, लेकिन अभी तो रेंज बाउंड ही दिखाई दे रहा है मामला। 23,400 के पुट राइटर्स बहुत एक्टिव है, 23,500 के कॉल राइटर्स बहुत एक्टिव हैं। 23,200 का लेवल अगर नीचे टूटेगा ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिगड़ जाएगा बुल्स का। अभी तक की तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम नजर आती है, क्योंकि हम बजट की तैयारी कर रहे हैं और बजट रिलेटेड स्टॉक्स में बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आप इंडेक्स की हरकत तो देखो, ये जो पिछले हफ्ते निचले स्तरों से पुल बैक आया था ना बहुत स्ट्रॉन्ग, उसको इस हफ्ते पचाने की कोशिश थी, इंडेक्स इसलिए मैनेज होता चला गया। निफ्टी पे इस हफ्ते 175 अंकों की बढ़त देखने को मिली है, बस जी हाँ, 175 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। और अगर आप वहाँ नीचे से देखोगे जहाँ पिछले हफ्ते 4 जून को पहुँच गए थे, वहाँ से अभी तक तो कोई 2,200-2,400 पॉइंट्स के आसपास की बढ़त देखने को मिली, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच हो गया। लेकिन इस हफ्ते 175 अंकों की बढ़त निफ्टी पे देखने को मिली, 0.1% बैठता है ये। और इस हफ्ते बैंक निफ्टी पे 199 अंकों की बढ़त देखने को मिली, आधे फीसदी से भी कम बैठता है ये। तो इंडेक्स बिल्कुल एक रेंज पे रहा, लेकिन इसी बीच खेल हो गया मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। और देखा आपने कि कैसे ये एग्री रिलेटेड स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, डिफेंस कंपनियां, रेलवे कंपनियां, कैपिटल गुड्स, पेपर, ऐसी ऐसी कंपनियों में एकदम से अचानक से बहुत तगड़ी, ऑयल एंड गैस पे इसमें बहुत तगड़ी चाल बनती हुई नजर आई। बाजार में यही मूड माहौल रहने वाला है, काउंटर स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास अच्छी फंडामेंटल कंपनियां हैं, उनको आप डिप्स में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तेजी अभी और बढ़ सकती है टिल बजट, बाजार में गिरावट में खरीदारी का मौका ही ढूंढें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है, बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।